तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूं एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जिसके अंदर मुझे कोई भी अगर सामान चाहिए मुझे बस बटन दबाना है और वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा। ये व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने अपने कासल में काफी सारी कस्टमाइजेशन करी थी, सामने की तरफ में कुछ ट्रीज लगाए थे बट अभी फिलहाल वो मैंने हटा दिए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा घटिया लग रहे थे वो। और फिलहाल यहां मैंने दो बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए थे, वैसे इसमें नहाने वहाने के लिए तो नहीं बनाए बट फिर भी हम लोग कभी कभार इसमें अपना नहा सकते हैं और होली पे इसमें रंग मिला के खेलेंगे भी। बाकी यार जो भी हो, ये कैसे लग रहे हैं आप लोग को मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। और साथ ही मैंने अपने कासल के नीचे बनाई थी एक अमेजिंग बेसमेंट या फिर आप लोग इसे सीक्रेट बंकर भी कह सकते हो। वैसे सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है, पूरी जिंदगी सीढ़ी जा रही है यहां से, बट हाँ यार जो भी है काफी ज्यादा बढ़िया। और यहां पर आज मैं काफी सारे चेंजेस भी करने वाला हूं। और गाइस सबसे अमेजिंग चीज तो मैंने आपको अभी तक दिखाई नहीं, लास्ट टाइम मतलब पहली बार मेरे कासल में हुआ है कि एक वाइट कैट स्पॉन हुई हो और मैंने पहली बार किसी एनिमल या फिर किसी पेट को दिल से नेम टैग दिया है। मतलब यार मैं कभी किसी को नेम टैग नहीं देता बट मैंने कहा नहीं यार ये कुछ यूनिक सी कैट है बट मैंने इसे नेम टैग दे दिया और इसका नाम मैंने रखा है स्नो और इसको अपने कासल के थ्रोन पे लाके बिठा दिया है, यानी कि आज से महारानी और मैं इसका चमचा। वाओ भाई नहीं नहीं, नहीं इसको हटाएं, एक काम करते हैं, नहीं यार कोई ना कोई तो बैठे रहना चाहिए। पर इधर आवे स्कीव है इसकी, इधर आ जल्दी से भाई, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मेरा ही डोग है ना। हाँ इसे ऊपर आ जा, वैसे मैंने तेज तो नहीं मार दिया, उसकी पूंछ पूरी नीचे होगी, इधर आ जा भाई। तो चलो भाई अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने स्नो की बॉडीगार्ड को भी बिठा दिया, ठीक है अब तेरे को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बातचीत के लिए भी एक पार्टनर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अभी फिलहाल गाइस हम लोग ना यहाँ से बाहर निकलते हैं और मैं आप लोग को एक और मस्त चीज सिखाता हूँ भाई, मतलब आप लोगों ने आज तक ऐसा शायद ही किसी और के वर्ल्ड में देखा होगा, मतलब कि जहां पर विलेजर्स होते हैं वहां पर हमेशा गोलेम स्पोन होते हैं। देखो एक गोलेम बोरा सामने, एक गोलेम ये रहा, बट हमारे कासल में स्पोन हुआ है अंडरवाटर माफिया का भाई, अंडरग्राउंड माफिया, ये रहा भाई। ये जमीन के अंदर कैसे स्पोन हुआ है, मतलब या तो पूरी जमीन में होता है, ये आधा बाहर है आधा अंदर है भाई, क्या परेशानी है तेरे को, है मार भी नहीं पाएगा तू तो मेरे को आगे भाई भाई नहीं यार से परेशान नहीं करूंगा, ये काफी ज्यादा बढ़िया जगह पे है। ओए मैं कुछ कह रहा हूँ, देखो वो जाने से अपना चुपचाप, ठीक है बेचारा उसके ऊपर से टाप के आ गया मैं। फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर आप लोग को इसलिए लेकर आया हूँ, वैसे मैं यहाँ पर खुद आया क्योंकि मैं आप लोग को ये चीज दिखाना चाहता हूँ। एक बार आपने ध्यान दिया यहाँ पर विलेजर्स की तादाद कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है, ये छोड़ो नीचे दिखाता हूँ भाई, पूरा पोटैटो खिला खिला के भाई इनकी मैंने एकदम पूरी पॉपुलेशन बढ़ा दिया है क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इनसे जो सामान मिलता है ना यही सारा का सारा सामान मैं एक वेंडिंग मशीन में डालूंगा, वो कैसे होने वाला है वो सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। फिलहाल वेंडिंग मशीन बनाने से पहले मुझको तीन चार चीजें और करनी है और जितना भी सामान उसे बनाने के लिए चाहिए था वो मैंने सारा का सारा इकट्ठा कर लिया। ये आयरन खाएगा, ये ले अपना खाली उठा के बाद में, मेरी इन्वेंट्री की स्पेस तो खाली हो एटलीस्ट। फिलहाल मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन कौन सा सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है वेंडिंग मशीन बनाने के लिए, तो सारा सामान मैंने सेल्कर बॉक्स में डाल दिया है। मुझे माइनकार्ट विद चेस्ट तीन से चार चाहिए बट मैंने एक बना लिया, मेरे पास आयरन भी है वुड भी है तो मैं बाद में बना लूंगा। 10 डिस्पेंसर, 20 ऑब्जर्वर, 10 स्टिकी पिस्टन, 10 लीवर, कुछ रेडस्टोन डस्ट, आइटम फ्रेम, कॉम्परेटर, रिपीटर, होपर चेस्ट और ढेर सारी रेल एंड काफी सारे स्टोन ब्रिक्स एंड रेडस्टोन टॉर्च। तो ये सारी चीजें अपनी काफी ज्यादा काम आने वाली है अभी, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना गाइस हम लोग एक काम करते हैं, वो एरिया बना लेते हैं जहां पर हम लोग अपना एक न्यू वेंडिंग मशीन बनाने वाले हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना ये काफी ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले वो जो पोलर बियर हाउस था वो मैंने यहां से तोड़ के हटा दिया है क्योंकि अपना पोलर बियर मारा जा चुका है। मुझे पता भी नहीं चला था बट आप में से बहुत से लोगों ने मेरे को एक टाइम स्टैम्प दिया एक वीडियो का जहां पर उसके ऊपर एक बिजली गिरी थी और उसकी बेचारे की बहुत गंदी मौत हुई। मेरे पास ढेर सारा सामान है और मुझे मालूम नहीं था ये ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स ये सब मतलब ब्रिक्स वगैरह हमें विलेजर्स भी ट्रेड करते हैं, मतलब यार काफी ज्यादा सही है। तो अभी वही सब कुछ होने वाला है। और गाइस बेसिकली ये फार्म मैं पता है क्यों बनाना चाह रहा हूँ, मतलब आप लोग को मैं मेन रीजन बताता हूँ कि मैं ये फार्म क्यों बनाना चाह रहा हूँ। ये आपने देखा होगा अपने पास, मतलब ये जो फार्म है ना ये उन सभी बंदों के काम आने वाला है जिनके पास ऑटोमेटिक फार्म है। जैसे कि आपने देखा होगा ये फुली ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म है, इसके अंदर से जितना भी शुगर केन मेरे को मिलता है वो सारा का सारा जाता है एक चेस्ट में, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप जाता है। ये मेरा फार्म मैंने अभी इसे ठीक करा थोड़ी देर पहले, इसके अंदर से मुझे ढेर सारा कॉबलस्टोन मिलता है जो कि जाता है इस बिग अल्ट्रा जॉइंट ऑटो स्मेल्टर में, फिर कन्वर्ट हो जाता है स्टोन में और ये भी अपने काम आता है। भैंस की टांगी लाइब्रेरियन यहां क्या कर रहा है, ये अलग ही बंदा है। और ये है अपना फार्म जिसके अंदर से बोन भी मिलता है, एरो भी मिलता है, रोटन फ्लैश भी मिलता है एंड मेन चीज गन पाउडर भी मिलता है। तो
तीन ऐसे अल्ट्रा जॉइंट फार्म है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। ये मुझे आज के बाद कलेक्ट करने आने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा सामान ऑटोमेटिकली यहां पर जो मैं घर बनाने वाला हूं, वैसे उसे घर बोलो या फिर वेंडिंग मशीन बोलो, जो भी बोलो, वो सारा का सारा उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, विलेजर होल से भी आ जाएगा। तो पहले ना गाइस हम लोग सारा काम नोट कर लेते हैं कि हमें किस किस तरीके से कैसे कैसे स्टेप वाइज अपना काम करना है। तो मेरा फर्स्ट एक मिनट तो गाइस सबसे पहले तो मैं बनाने वाला हूं अपनी कासल के गार्डन में एक हॉल जिसके अंदर होगी अपनी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन विद ऑटोमेटिक सॉर्टिंग सिस्टम। उसके बाद मैं अपनी कासल की बेसमेंट को अपने टाउन हॉल की बेसमेंट से कनेक्ट कर दूंगा ताकि वहां के विलेजर्स यहां आ पाए। फिर उसके बाद मैं अंडरग्राउंड टनल बना के उस पे बिछाऊंगा एक रेल ट्रैक जिस पे चलेगी अपनी माइनकार्ट विद चेस्ट जो कि अपने टाउन हॉल कासल और सभी फार्म से होती हुई जाएगी सीधा अपने मेन वेंडिंग हॉल पे। अपने पास ऑलमोस्ट सारा का सारा वो सामान है जो कि हमें वेंडिंग हॉल बनाने के लिए चाहिए। फिलहाल एक चीज है जो कि मुझे अपने साथ ले लेनी चाहिए और वो है मेरा शल्कर बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर वो सारा का सारा सामान है जो कि वेंडिंग हॉल में वेंडिंग मशीन और ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम बनाने के काम आने वाला है। फिलहाल एक चीज मुझे और करनी है, यहाँ पर जितने भी कॉर्ड्स है ना इसे मुझे स्टेयर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये भी काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। ये चार, एक मिनट, पहले मैं सारी स्टेयर्स कलेक्ट करता हूँ यहाँ से जितनी हो सकती है और इन स्टेयर्स को रख के मैं जो ब्लॉक है इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ मेरे को, क्योंकि अभी जगह नहीं है मेरी इन्वेंटरी में यार। और मुझे क्या करना है, ये जो जितने भी स्टोन ब्रिक्स है ना, पहले तो मैं एक काम करता हूँ थोड़े से अंदर रखवा के स्टोन ब्रिक्स को कन्वर्ट कर लेता हूँ स्लैब में, क्योंकि भाई अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और फिर से मेरी इन्वेंटरी भर गई। वाह, तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं ढेर सारा सामान लेकर आ चुका हूँ सीधा अपने कासल के गार्डन में और यहाँ से हम लोग अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले थोड़ा बहुत वैसे फूड वूड खाने की भी जरूरत नहीं है, हेल्थ अपनी फुल पड़ी है। मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि दो बॉर्डर का गैप हम लोग यहाँ से रखेंगे ताकि अगर कल को हमें पीछे से भी जाना हो तो थोड़ा बहुत स्पेस हो, एकदम घिचपिच नहीं करनी, थोड़ा बहुत खुला एरिया रहना चाहिए। तो ये अपना मेन कॉर्नर ब्लॉक होने वाला है जहाँ पर हम लोग अपना पहला ब्लॉक प्लेस करेंगे। तो चलो भाई काम हमने यहाँ पर स्टार्ट 1 2 3 कर दिया है, ठीक है अब अपनी एक नई मस्त चीज बनने वाली है। तो फटाफट से गाइस मेरे को ना अभी कोई आईडिया नहीं मैं इसे कितना बड़ा बनाने वाला हूं और मैं ये कॉर्नर्स में मैं ये नॉर्मल ब्रिक यूज करूंगा एंड बीच में स्लैब्स यूज करूंगा। वैसे गाइस देखो ये जो हॉल है ना मैं काफी ज्यादा बड़ा बनाने वाला हूं बट फिलहाल के लिए मैं इसे इतना ही लिमिटेड रखूंगा क्योंकि जितना बड़ा हॉल बनाऊंगा उतने सारे मेरे पास आइटम्स भी तो होने चाहिए सॉर्ट करने के लिए। बट हां अभी मेरे पास 3 टाइप के फार्म है और काफी सारे आइटम्स मेरे को विलेजर्स भी देते हैं जो कि मैं इस ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में डालूंगा। फिर जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा वो आइटम मुझे जब चाहिए होगा क्विकली मिल जाएगा, मुझे बार बार इसे ढूंढने या फिर अलग अलग चेस्ट में ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल इतना एरिया मेरे हिसाब से इनफ है, फिलहाल रात भी होने वाली है बट कोई नहीं हम लोग नाइट लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी गाइस यहां पर मुझे स्लैब्स प्लेस करने हैं, वैसे मैं स्लैब्स ना थोड़े कम लेकर आऊं बट अपने पास स्टोन ब्रिक्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, अपने पास इतना बड़ा अल्ट्रा जॉइंट फार्म है भाई सब। मुझे लग रहा था छोटा मोटा काम है जल्दी निपट जाएगा बट स्लैब लगाते लगाते पूरी रात बीत गई और पता भी नहीं चला। फिलहाल यहां पर थोड़े बहुत स्लैब्स मुझे और लगाने हैं और फाइनली बेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेट्स गो। 2 से 3 बारी में स्टोन ब्रिक्स लेकर आया हूँ बट अभी फिलहाल मैंने ढेर सारे ले आए और अभी इसकी फिलहाल उतनी जरूरत भी नहीं है। तो ओके गाइस मैंने अपना काम करना है स्टार्ट यहां से करता हूं। तो ये वाली जो लेयर है ना इतनी यहां पर तो आ जाएगी बाउंड्री, इसलिए हम लोग यहां पर कुछ लगाने नहीं वाले, एक ब्लॉक आगे से काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं काम करता हूं अपना शल्कर बॉक्स यहां पर रख देता हूं जिससे मुझे सामान भी मिलता रहेगा और आइडिया भी रहेगा कौन सी चीज कहां पर रखनी है। फिलहाल सबसे पहले आएगा अपना ऑब्जर्वर, फिर डिस्पेंसर्स वगैरह का जितना भी जो मेन अपनी वेंडिंग मशीन है ना उसको हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम, फिर हम लोग आगे का काम करते रहेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे 3 से 4 ब्लॉक का गैप देके यहां पे रखना है स्टोन, उस स्टोन के फ्रंट में एक ब्लॉक का गैप छोड़ के मुझे रखना है ऑब्जर्वर जिसका फेस इसके अपोजिट साइड पे हो और इसी के फ्रंट में मुझे एक और ऑब्जर्वर रखना है जिसका फेस दूसरे वाले ऑब्जर्वर के साइड हो, मींस दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। अब मुझे गाइस चाहिए होगा स्टिकी पिस्टन, तो ये जो ऑब्जर्वर है मैं वापस रखता हूं और उठा लेता हूं यहां से स्टिकी पिस्टन। यहां पे रखा मैंने एक ब्लॉक ताकि स्टिकी पिस्टन का ये जो फेस है ना वो इससे अटैच हो, ठीक है मतलब ये स्टिकी पिस्टन की बैक साइड यहां पर हो और हमें इसके ऊपर लगाना है एक लीवर बट अभी नहीं, वो बात का काम है, ठीक है अभी इतना एकदम प्रॉपर हो चुका है। अब मुझे गाइस यहां पर रखना है एकदम मस्त तरीके से रेड स्टोन डस्ट, ठीक है तो ये रेड स्टोन डस्ट मेरे को रखनी है यहां पे, फिर यहां पे रखनी है। और अभी क्या होगा गाइस जैसे ही मैं इस पिस्टन को ऑन करूंगा ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और फिर ऑब्जर्वर करंट देने लगेंगे जो कि रेडस्टोन में पर सेकंड करंट जाता जाएगा और जैसे एक एक बार करंट जाएगा तो फिर जो डिस्पेंसर लगेगा वो उतनी उतनी देर में सामान ड्रॉप करता जाएगा जैसे कोई मशीन से निकल रहा हो, पूरी मशीन वाली फील आने वाली है। फिलहाल हाँ मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये बनाने के लिए, इसलिए गाइस अभी मेरे को चाहिए डिस्पेंसर्स और कुछ स्लैब्स। तो ये एकदम मस्त तरीके से बनेगा, बस जैसा मैंने सोचा है ना ये वैसा काम कर जाए क्योंकि इसे एग्जीक्यूट करने में मैंने काफ़ी टाइम लगाया यार। ये एकदम ठीक है, मेरे को पता नहीं ऐसा कोई लग रहा है कि मैं यहाँ कोई छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, वैसे ट्राई करते हैं क्योंकि ये मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ये रेड स्टोन डस्ट का ना मैं चाह रहा हूँ करंट जो है ना ऊपर तक आए,
रेड स्टोन डस्ट मैंने वापस रख दिया, ऑब्जर्व डिस्पेंसर का काम अभी हो गया, उसे वापस रखो। अभी पहले एक हम लोग बनाकर देखते हैं काम कैसा कर रहा है, उसके बाद मैं बाकी बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं मान लो मैं इसके अंदर ये डाल देता हूँ, ठीक है। मान लो अभी मशीन के अंदर ये चीज़ चली गई है, अब मुझे चेक करना है कि जब मेरे को ये चीज़ चाहिए होगी, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है, ये मैं खुद ही नहीं रखूंगा। जैसे भी मैंने स्टोन रखे हैं ना, बट रियलिटी में मैं खुद नहीं रखूंगा, अभी टेस्टिंग के लिए है। अब जैसे मान लो मैं आया कि हाँ भाई मुझे स्टोन ब्रिक्स चाहिए, वो ऑटोमेटिकली फार्म से इसके अंदर पहुंचाना है, वो सब अभी हम लोग करेंगे। अब इसे ऑन करते हैं और ये देखो भाई किस तरीके से सामान मेरे को मिलता जा रहा है। अब जैसे मुझे फूड चाहिए तो मैं फूड वाले का अलग बना दूंगा, और ये जो वेंडिंग मशीन है अभी ये है, मेरे को खुद ला के भरना पड़ेगा, फिर खुद ही उठाना पड़ेगा। फायदा क्या है जब खुद ही ला के भर रहे हैं, तो इसीलिए फुली ऑटोमेटिक अभी इसे जल्दी से जल्दी करना है। अब गाइस देखो इतना करने के बाद मुझे बनाना है एक ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम, क्योंकि इस टाइप की मशीन मेरे को ना वहां तक पूरे में बनानी है। अब इसके अंदर सामान कौन डालेगा, माइनकार्ट विद चेस्ट, और जब वो आएगी इसमें सामान डालने तो जरूरी थोड़ी है वो इसके अंदर स्टोन डाले, वो तो कुछ भी डाल के चले जाएगी ना, जो जो उसके पास होगा। इसीलिए हमें ऑटो सॉर्टिंग बनाना पड़ेगा। अगर हमें इससे स्टोन चाहिए तो इस वाले डिस्पेंसर के अंदर सिर्फ स्टोन आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो वो सेटअप के लिए ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम वाली अपनी चीज लगेगी। और उसको बनाने के लिए हमें ये कॉम्परेटर रिपीटर की जरूरत पड़ने वाली है और होपर्स की जरूरत पड़ने वाली है। कॉम्परेटर भी मैंने यहां पर ले ली है। रेड स्टोन, यार ये बारिश क्यों होती है मेरे वर्ल्ड में इतना, अब यार मॉब स्पॉन हो जाएंगे वो देखो भाई। मैं बोल रही हूँ ये बावड़ी पूछ तू पिटेगा सबसे पहले, इतना गंदा मारूंगा। एक तो मेरे ट्राइडेंट फार्म से कोई ट्राइडेंट नहीं मिला, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा है, बट कोई नहीं इसे कंप्लीट करते हैं यार। पहले तो ये चीज़ ना मेरे को पहले पूरी कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। हाँ तो गाइस अभी फिलहाल जिस जिस सामान की जरूरत है वो मैंने सारा का सारा उठा लिया है। सबसे पहले गाइस मुझे इसके ऊपर प्लेस करना है एक स्टोन ब्रिक, और स्टोन ब्रिक प्लेस करने के लिए मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अरे इस तरीके से ना प्लेस भी नहीं होने वाला, यहाँ पर मुझे इस तरीके से रखना पड़ेगा, एंड सेम टू सेम मुझे रखना है इसे इस साइड से। और कुछ यार टेम्प्रेरी ब्लॉक्स मुझे यहाँ पर ना ऊपर जाने के लिए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने साथ स्कार्फ फोल्डिंग नहीं लाया हूँ। अब मुझे यहाँ पे प्लेस करना है एक रिपीटर, ये ध्यान में रखे कि उसका जो फेस है वो उस साइड पे होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर कोई डिले वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब चीज़ का भी यूज़ ही नहीं है। और अभी एक छोटी सी चीज़ मुझे और ये करनी है कि इसके पीछे वाली साइड पे मुझे लगानी है ये रेड स्टोन टॉर्च यहाँ पे। और गाइस अब इतना करने के बाद मुझे जाना है अपने डिस्पेंसर पे, और उसके ऊपर ये हॉपर प्लेस करने हैं टोटल तीन। तो एक सेकेंड, एक दो तीन, ठीक है। तीन हॉपर प्लेस करने के बाद मुझे इसके ऊपर प्लेस करनी है एक चेस्ट कुछ इस टाइप से। अब इसमें भी एक हॉपर लगाना है, हॉपर वैसे यार मुझे ना और भी बनाने पड़ सकते हैं। लग जाए यार, एक मिनट मेरे को सामने जाना पड़ेगा पहले, तभी हॉपर वहाँ लगने वाला है। ये लगा दिया, और अब मुझे यहाँ पर तीन ब्लॉक्स लगाने हैं कुछ इस तरीके से कि ये वाला जो रिपीटर है ये कवर हो जाए, एंड यहाँ पर मुझे रखना है कॉम्परेटर जिसका फेस हो उस डायरेक्शन में। और यहाँ पर भी मुझको चाहिए होगी थोड़ी बहुत रेडस्टोन डस्ट जो कि यहाँ तक करंट पास कर दे, ठीक है। अभी सब कुछ मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। एक बारी हम लोग इसे रन करा के देख सकते हैं, बट ये ऐसे काम नहीं करता, हमें यहाँ पर एक और ऑब्जर्वर पेस्ट कर मतलब कि हॉपर पेस्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा हॉपर लगाना पड़ेगा जो कि अटैच होगा इस कॉम्परेटर से, नीचे वाले हॉपर से नहीं। एक बारी आप लोग इसका फेस देख लो मैंने कहाँ को करा है। ये सारा जुगाड़ एकदम मस्त तरीके से सोच समझ के करा गया है। अब चेक करते हैं भाई ये अभी अभी ये काम नहीं करने वाला। हाँ इसके अंदर एक और चीज़ है, हमें कुछ अलग नाम के ना स्टोन ब्रिक्स या फिर कुछ भी हम लोग इसके अंदर ला के रखना पड़ेगा। तो एनविल से मैं कुछ ब्रिक्स रीनेम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी अभी बनाने वाला हूँ ना ये सॉर्टिंग सिस्टम सब में लगने वाला है। बस इतना सही काम है अपनी वेंडिंग मशीन का, इतना मेरे को सब में करना है और अपना काम हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर ये स्टोन ब्रिक्स का नाम रख देता हूँ, टेस्ट नाम रख देते हैं, क्योंकि अभी मुझे कन्फर्म आइडिया नहीं है वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। मैं डर गया कि ये हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये है, अपना एनविल खत्म भैया, उसकी औकात चली गई, टूट चुका है वो। बट कोई नहीं यार, हम लोग इसे दूसरा बना देंगे। वैसे मैं कहाँ से आया था। ओके ओके यार, पहले ना चल के सोते हैं यार, क्योंकि स्नो तू भी अपने यहाँ पे रेस्ट कर, मैं जा रहा हूँ सोने। वैसे वो सोएगी नहीं बेचारी। वैसे गाइस अगर मैंने सुना है कि अगर हम लोग जब सोते हैं ना तो कैट ना हमें गिफ्ट देती है, मतलब मैंने ऐसा सुना है, अब देखते हैं रियलिटी में होता है या फिर नहीं। देखो अभी इसके पास कुछ भी स्पॉन नहीं है, मैं चल के सोता हूँ। ओके गाइस अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ। आई थिंक बाहर बारिश भी बंद हो गई है, नहीं यार हल्की फुल्की चल रही है। एंड कैट ने कुछ दिया नहीं दिया शायद, इसको भी शायद बेड पर सुलाना पड़ता है, पता नहीं यार मेरे को 100% नहीं पता, और मैंने सुना था या फिर कहीं पढ़ा था। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं, अबे नहा लेना, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, मेरे से गले मिलने आ रहा है जलता हुआ वो भी। ओके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद आ रही है कि ये काम करेगा। स्केलेटन मेरे को मारना चाह रहा है। हाँ तो गाइस देखो ये जो सबसे ऊपर वाला होपर है ना, इसके अंदर ये जो मैं दूसरे ये जो टेस्ट ब्लॉक रीनेम करके लाया मुझे यहाँ पे रखने, और ये देखो ये अंदर नहीं जा रहे। और अभी मान लो मुझे इसे स्टोन ब्रिक्स वाला लगाना है तो 41 इसके अंदर रह जाएंगे, बाकी सारे इसके अंदर ऑटोमेटिकली चले जाने चाहिए। इसका मतलब है ठीक काम कर रहा है। प्लीज 41 पे रुक जाइए।
ओके 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 गाइस, ये एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो सेम टू सेम यही चीज हमें उतनी बनानी है जितने सॉर्टिंग सिस्टम, मतलब कि हमें अगर अपनी वेंडिंग मशीन में जितने मटेरियल ऐड करने हैं उतनी बार हमें ये चीज बनानी पड़ेगी, और ये एक बार करना है। उसके बाद ये जो होपर है ना, इस पे हम लोग अपने माइन कार्ट के ट्रैक को बिछा देंगे और सारा सामान इसके अंदर ऑटो फिल्टर, मतलब कि ऑटो फिल होता रहेगा। बाकी यार अभी देखो, मैं इसे ना टोटल 10 कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं। एक में रोटन फ्लैश, एक में गन पाउडर, एक में एरोस की तो मेरे को जरूरत नहीं होती, तो एरो को हम लोग फेंक ही देंगे। तो चलो यार, फिलहाल देरी किस बात की, जल्दी से हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जितना भी आइटम है, मुझे सेम टू सेम यही चीज हर जगह बनानी है, तो मैं अपने ये सब आइटम ना इसके अंदर रखवा देता हूं जिनकी अभी जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो चलो फटाफट से हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा स्टोन ब्रिक्स, एक ब्लॉक के गैप में, एक ब्लॉक के गैप में, 1, 9, 10। ओके, तो 10 पार्ट यहाँ पर मैंने कर दिए इसके, तो ये भी मैंने कर दिया एकदम मस्त तरीके से। भाई ये जब पीछे का एरिया बनेगा ना, काफी ज्यादा तगड़ा लगने वाला है। रेडस्टोन एंड ऑब्जर्वर्स हो गए। अब बारी है स्टिकी पिस्टन की, जो कि मुझे रखते जाने हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ओके तो गाइस, फाइनली ये भी एकदम परफेक्टली डन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे रखने हैं डिस्पेंसर्स इस तरफ में फ्रंट का फेस करके। ओके गाइस, तो ये भी एकदम परफेक्टली डन। अब मुझे यहाँ पे लगाने लीवर। ओके ओके ओके, तो ये भी एकदम कंप्लीट हो चुका है। वही है ना भाई, एक बन जाए उसके बाद तो एकदम मस्त स्पीड आ जाती है। बगल वाले को देख के सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि कैसे क्या चीज लगानी है। यहां पे मुझे लगाने 3 होपर, उसके बाद मुझे यहां पर प्लेस करनी है एक मस्त तरीके से चेस्ट, और चेस्ट के पीछे मुझे यहां पर एक होपर लगाना है जिसका फेस्ट चेस्ट की तरफ में हो। फिलहाल मेरे को लग रहा है चेस्ट मैंने उल्टी लगा दी है, बट आई थिंक ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये एकदम परफेक्टली लग चुका है। अब सेम टू सेम जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये स्टोन ब्रिक्स लगाए हैं, वहां पर भी मेरे को ऐसे लगाने हैं। फिर कॉम्परेटर मुझे इधर लगाना है, फिर रेड स्टोन डस्ट इधर लगाना है। तो ओके गाइस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। बस दो चीजें रह गई हैं जो कि मुझे फटाफट से क्राफ्ट करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा एनविल टूट गया और वो जो ब्लॉक्स मैंने उसमें से रीनेम करे थे वो मैंने प्लेस कर दिया उधर ले जाके, तो अभी ना मुझे एक और एनविल बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने आयरन फार्म से ये ब्लॉक ऑफ आयरन तो बनाकर ले आया हूं। मुझे भी क्या करना है कि सबसे पहले यहां पर मुझे सबसे पहले कुछ आयरन चाहिए होगा यहां से, तो इन आयरन को मुझे यहां प्लेस करना है एंड इसके ऊपर रख देना है। ये बना अपना एनविल, इसको हम लोग रखते हैं यहां पे, एंड यहां से भी मैं कुछ इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं टेस्ट नाम से, और ये 5-5 मुझे सब में डालने हैं, तो इसका नाम मैंने रख दिया टेस्ट। इसकी एंचेंटमेंट कॉस्ट 1 लगी और इतने सारे ये जो है रीनेम हो गए हैं। और अभी ना मुझे एक जगह पर स्लैब और थोड़ी सी स्लैब तो मेरे पास है, चलो ठीक है, तो एक जगह पर मुझे स्लैब और उसके ऊपर रेडस्टोन डस्ट लगानी है। फाइनली अपनी ये जो वेंडिंग मशीन है विद ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे इसके ऊपर बस माइन कार्ट लगानी है, वो बाद का काम है। इसके बाद हम लोग पहले अपना ये जो हॉल है इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अंदर की पूरी मशीन तो बन गई बट हॉल बाहर वैसे का वैसा ही है। फिलहाल यहां पर मैंने ये लगा दिया स्लैब्स, और स्लैब्स के ऊपर मुझे रखनी है रेडस्टोन डस्ट जो कि मेरी पड़ी हुई है इसके अंदर। तो जैसा मैंने फर्स्ट वाला बनाया था ना, जो बाकी आप देख पा रहे हो ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से बने हैं। मुझे लग रहा था जल्दी बन जाएंगे बट थोड़ा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि होपर वाला जो ऊपर काम था ना ये थोड़ा सा मतलब ऊपर चढ़ चढ़ के अजीब सा था। फिलहाल हाँ, मुझे यहाँ पर रखनी है रेडस्टोन डस्ट, तो 1, 2, 3, 4 ठीक है, सब कुछ एकदम डन है। अभी मुझे बस एक बारी ऊपर जाना पड़ेगा, वैसे जाना नहीं पड़ता, वो मैंने एक ब्लॉक की गड़बड़ करी है इसलिए आना पड़ रहा है। अब एक बार देख लेते, ये देखो अभी भी मैंने यहाँ पे टेस्ट वाले ब्लॉक लगा दिए, स्टोन ब्रिक्स नहीं है इस टाइम पे, टेस्ट बन चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये रखने हैं, और ये देखो इसके अंदर अभी आ चुका है करंट, ये ब्लॉक्स अंदर नहीं जाने वाले उसके। तो गाइस देखो, ये वाला जो होपर का अब एक स्लोट खाली बचा हुआ है ना, ये डिसाइड करेगा कि ये जो वेंडिंग मशीन है वो क्या हमें देने वाली है। उसके अंदर अगर हम लोग 41 रोटन फ्लैश डालते हैं तो फिर यहां से हमें रोटन फ्लैश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और जो भी हम उसके अंदर डालेंगे फिर वही चीज हमें वहां से मिलने वाली है। फिलहाल ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग इसे, मैं वैसे ना इसको भी पूरा यहां तक कंप्लीट करूंगा बट फिलहाल के लिए इसे बाहर से कंप्लीट करते हैं। अभी जैसे ऐसे आइटम्स मुझे पता चलते जाएगी किस किस चीज की रेगुलर जरूरत पड़ती रहती है, वो चीजें हम लोग यहां पर ऐड करते रहेंगे। फिलहाल ये सब चीज का काम हो गया, इसको वापस रखवाता हूं। अब हम लोग अपना मेन क्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है ढेर सारे ब्रिक्स एंड ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स, तो इसी को मैं यहां पर लगाने वाला हूं। बाकी जितने स्टोन ब्रिक्स है ये भी सारे यहां से ले लेता हूं, वुड ले लेता हूं ढेर सारी, एंड वुड को तो मैं लगाने वाला हूं कॉर्नर्स में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैं पता क्या चाह रहा था कि ये मेरी कासल की वॉल से ऊपर ना जाएं, बट अभी आ चुके हैं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो गाइस यार देखो, सच्ची में बैक साइड कंप्लीट करते करते ना जिंदगी सी बीतने वाली है। मतलब यार इतने सारे मैं ये ब्रिक्स लगा चुका हूँ बट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई ये वॉल। और अभी मुझे ना यार ढेर सारे बना के या फिर विलेजर से लेकर आने पड़ेंगे, और उस अभी उससे मुझे यार एमरल्ड्स वगैरह सब ट्रेड करना होगा। बट आप लोग एक बार ये पिलर्स देखो, मैंने स्टोन ब्रिक्स के हटा के ना ये दूसरे वाले लगा दिए हैं, और अभी मैं इन्हें चॉप करने वाला हूँ पूरा ऊपर तक कुछ इस तरीके से। और अभी शायद से इनकी जो लुक है ना, मैं पता है सच्ची बताऊँ ना, जैसा मैंने अपना टाउन हॉल बनाया था ना कुछ उस टाइप से मैं ये भी बनाने वाला हूँ। मतलब सही लग रहा था टाउन हॉल भी, तो ये भी अच्छा लगना चाहिए। वैसे गाइस मेरे पास ना एक अमेजिंग आइडिया है, मैं यहाँ पर ओक प्लैंक्स की स्टेयर्स बना के लाया हूँ। इसको यहाँ पर ना इसकी बाउंड्री पे लगाकर देखता हूँ आखिरकार इसकी जो लुक है वो कैसी आने वाली है।
वैसे ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, दूर से जाके थोड़ा देखना पड़ेगा, पहले इसे लगाते फिर चलकर देखते हैं। मेरे हिसाब से ना ये बहुत सही लगेगा, क्योंकि टाउन हॉल वाली थीम भी अपनी पूरी ऐसी ही है, और ये भी अगर वैसे हो जाएगी तो भाई मजा आने वाला है एकदम ही। अभी ना इसे भाई दूर से देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को भाई फाइनल है, ये एकदम ही मस्त लग रहा है। मतलब फिनिशिंग आई है, अभी तक ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिलहाल मैंने इसे लास्ट टाइम चॉप नहीं, इसको मैं एक ही बार में चॉप करूंगा एंड में। ये टॉर्चेस एक तो अलग ही प्लेस हो जाती है। अभी भाई पहले ना यार ये ब्रिक्स लेकर आता हूँ मैं विलेजर्स से, क्योंकि ये बहुत सारे लगने वाले हैं यहाँ पे। फिलहाल थोड़े बहुत मेरे पास बचे हैं, उसको मैं यहाँ पे लगाना स्टार्ट करता हूँ फटाफट से। तो ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारा का सारा काम तो नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट 80% काम मैंने कम्प्लीट कर दिया है। ऊपर की तरफ में ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना, ये मेरे को लग नहीं रहा था इतनी अच्छी लगेगी, बट मेरे पास ना काफ़ी सारे क्वार्ट्स ब्लॉक थे और उन सभी का मैंने यूज़ कर डाला, और फाइनली काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है अभी ये जो चीज़ मैंने बनाई है। मैं नीचे चलकर आप लोग को दिखाता हूँ कि अभी ये जो अपना हॉल है ना, मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं। और ये देखो गाइस, ये है अपने हॉल की फाइनल लुक। मुझे मालूम है ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एक साइड कर देखी है कि किस तरीके से। टाउन हॉल वाली थीम तो आ रही है, बट कुछ ज़्यादा ही तगड़ी आ रही है, ये कासल से भी बड़ा लग रहा है इस टाइम पे मुझे। और एक बारी आप लोग ऊपर देखो भाई, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ से। मेरे को ना पता क्या लग रहा है कि मुझे ना इसका गेट बंद नहीं करना चाहिए, मैं पूरे एरिया में ना टॉर्चेस लगा दूंगा ताकि मॉब्स इसके अंदर ना जाए। और अगर यहाँ पर क्रीपर फट गया भैया, बहुत गलत वाला नुकसान हो जाएगा, सारी चीज़ें बहुत टाइम लग जाएगा ठीक करने में। फिलहाल हाँ यार जो भी हो, मुझे ना अभी ढेर सारे ये और भी ब्रिक्स लेकर आने पड़ेंगे। तो फाइनल यही है कि मैं कुछ इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, यहाँ पर ग्लासेस लगा दूंगा। और अभी ये वाली जो बाउंड्री है ना, मुझे पता है सबसे गंदा आपको उस टाइम पर ये वॉल लग रही होगी, बट ये वॉल दिखनी ही नहीं है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ये होपर वगैरह कुछ भी नहीं दिखना। ओके 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 गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने ऑलमोस्ट ये होल पूरा कंप्लीट कर दिया है, बस इसकी जो रूफ है वो रह गई है, वो हम इजिली आराम से कंप्लीट करते रहेंगे। और सेम टू सेम ये चीज मैंने इस साइड पर बना दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे इसे बंद करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे से मैं ओपन ही रखना चाहता हूँ, बट टेंशन इस चीज़ की कहीं क्रीपर आके कल को अंदर ब्लास्ट ना हो जाए, थोड़ा बहुत रिस्क है भाई उसमें। फिलहाल हाँ मैं टॉर्चेस लगा दूंगा तो वो इशू नहीं आएगा। तो गाइस अभी ना मैं यहाँ पर कुछ ये ब्लैक स्टोन ब्रिक्स लेकर आया हूँ इसको कवर करने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ मुझे हाइड करनी है तो किसी ना किसी चीज़ से तो कवर करना पड़ेगा ना। तो ब्लैक स्टोन ब्रिक्स एंड ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये क्वार्ट्स स्टेयर, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओ सॉरी, इसको मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। एक बारी पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसकी लुक कैसी आ रही है, तभी हम लोग इसे आगे कंप्लीट करेंगे। वैसे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है ना वाइट के ऊपर ब्लैक लुक। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ऑलमोस्ट मैंने पूरे के पूरे एरिया में नेदर क्वार्ट्स ब्लॉक लगा दिए हैं, बट अभी भी ये जो ऊपर वाली चेस्ट वगैरह है मुझे हाइड करनी है, जिसके लिए मेरे पास ना ढेर सारे प्लैंक्स हैं। वो सॉरी मैं लेकर ही नहीं आया एक भी प्लैंक्स, या फिर मैंने उन सबका ही स्टेयर बना डाला। यार अभी मुझे दोबारा से वुड तोड़ने जाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इसे एकदम मस्त चारों तरफ से पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसको मैं यहाँ से बंद करके तोड़ देता हूँ। और ये वाला जो एरिया है ना गाइस, ये अंदर जाने का मैं यहाँ पर एक गेट लगा दूंगा, ताकि अगर अंदर हमें कल को मेंटेनेंस के लिए जाना पड़े तो हम लोग यहाँ से अंदर जाएं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एपिक हो गए। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये दो गेट्स, इसको कर देता हूँ बंद। अभी ये वाला जो एरिया है ना गाइस ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट इसके अंदर ये चीज़ मेरे को अजीब सी लग रही है, तो मैं पहले ना इसे यहाँ से तोड़ के इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, तब भी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल अब एकदम मस्त लग रहा है। अगर मुझे मेंटेनेंस के लिए पीछे जाना है तो ये वाला गेट खोल के मैं अंदर आ सकता हूँ, और यहाँ पर से मैं जाके कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है इन फ्यूचर, वैसे ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, रूफ लग जाएगी ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और यहाँ पर अगर टॉर्चेस लग जाएगी तो भी, ताकि मॉब ना स्पॉन हो। बाकी सब कुछ एकदम परफेक्टली यहाँ पर सेट हो चुका है, जैसे भी इतना कंप्लीट करा है सेम टू सेम यहाँ पर भी करते रहेंगे बाद में आराम आराम से। फिलहाल अभी जल्दी से गाइस हम लोग क्या करते हैं कि ये कंप्लीट करते हैं यार, और क्या। ओके लेट्स गो गाइस, अभी ना फिलहाल ये तो हो गया है पूरा डन, अब बारी है यहाँ पर आइटम फ्रेम लगाने की, और उसके बाद हम लोग टनल बनाएंगे, कासल को टाउन हॉल की बेसमेंट से कनेक्ट करेंगे। और पहले ना हम लोग यहाँ पर आइटम फ्रेम लगाते हैं, बाकी काम ये सब चलता रहेगा। एक काम करता हूँ, शल्कर बॉक्स से मैंने रेल क्यों निकाली, शल्कर बॉक्स से अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें वापस तो आना है बट बहुत ज़्यादा देर बाद। तो जो भी हमें सामान चाहिए उसका आइटम फ्रेम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैंने पूरे में ये आइटम फ्रेम सेट कर दिया है, अब पहले हम लोग ना यहाँ पर टनल्स बनाते हैं, टाउन हॉल की बेसमेंट को कासल की बेसमेंट से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। मेन तो भी ना टनल बिछानी है जल्दी से जल्दी। वैसे यार देखो बीकन से ना मेरे पास हेस्ट का इफेक्ट ऑलरेडी है, जिससे कि मैं फास्ट माइनिंग कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना मेन जंक्शन होने वाला है, जहाँ पर सारी चेस्ट होगी और जिन चेस्ट में सामान होगा जो कि हमें मिलेगा सारा विलेजर से। फिलहाल अभी मुझे ना
इस जगह को छोड़ के साइड से माइनिंग करना है, स्टार्ट करना है। और ध्यान रखना है ये सीक्रेट वाले ब्लॉक्स ना टूटे, इसके साइड से ही मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा, वरना 20 मिलियन का सरप्राइज रिवील हो जाएगा ना यार, इसीलिए उसको बाद में करेंगे। फिलहाल आप लोग देख ही पा रहे हो भाई अपने इफेक्ट्स की वजह से भाई कितनी तेज यहाँ पर ये ब्लॉक्स टूटते जा रहे हैं। और भाई फाइनली मैं विलेज में पहुंच भी चुका हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, फटाफट से हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल ये एरिया मैंने पूरा एकदम ना खाली सा कर डाला है, पर अभी बस ना मुझे यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, और वो काम ये है कि मुझे यहाँ का पानी सुखाना पड़ेगा, और पानी सुखाने के लिए मुझे स्पॉन्ज लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके ऊपर ब्लॉक्स रख दूंगा। और इस एरिया में ना मुझे काफ़ी सारी टॉर्चेस भी लगा देनी चाहिए ताकि यहाँ पर मॉब्स स्पॉन ना हो, वरना मॉब्स स्पॉन होंगे तो वो सीधा जाएंगे अपने टाउन हॉल में और इनको जाकर भाई मॉब बना डालेंगे। तो ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली काफी ज्यादा टाइम लगा के मैंने ये पूरी की पूरी जो टनल है उसे कंप्लीट कर दिया है, और अभी ना गाइस मैं अपने कासल से अपने टाउन हॉल आना जाना कर सकता हूँ। स्पेशली मैंने अपने लिए नहीं विलेजर्स के लिए बनाया, ताकि विलेजर्स को मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, सीधी सी बात अगर मैं उनके बेड यहाँ पे ला के रख दूंगा तो वो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर अगर वो आएंगे तो मैं उनसे ट्रेडिंग वगैरह करके काफी सारी और भी चेस्ट बनाऊंगा, उन चेस्ट के अंदर उनका सामान डालूंगा, और वो चेस्ट से सामान उठाएगी अपनी माइन कार्ड, ठीक है, वो माइन कार्ड सामान उठा के ले जाएगी, वो ले जाके डालेगी अपने वेंडिंग हॉल में। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं वेंडिंग हॉल का सेटअप करने। अब देखो भाई ये जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट ना थोड़ा बहुत ना सोच समझ के करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैंने प्लानिंग करी है, तो मेरा प्लान कुछ ये है, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अगर कोई इशू हो तो मुझे भी क्लियर हो जाए। देखो मैंने ऐसा सोचा है कि सबसे पहले जो अपनी माइन कार्ड विथ चेस्ट है वो सामान उठाएगी गन पाउडर वाले फार्म से। गन पाउडर वाले फार्म से हमें क्या क्या मिलता है, बोन मिलता है, बोन भी अपने काम आएगा, उसको भी हम लोग वहाँ पे रख देंगे। साथ ही उसमें से मेन गन पाउडर मिलता है, एरोज मिलती हैं, तो सारा सामान वहाँ से उठाएगी, वो ला के डालेगी इस वाली चेस्ट के, मतलब नीचे मैं टोटल तीन टर्मिनल बनाऊंगा, 1, 2, 3। 1 से सारा सामान आएगा 2 में, 2 से सारा सामान जाएगा 3 में, और 3 से सारा सामान जाएगा वेंडिंग हॉल में, ठीक है। तो चलो यार अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं टनल बनाने, भाई मजा आने वाला है, अभी देखना जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना भाई। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे थोड़ा बहुत मतलब सोच समझ के बनाया, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचा, बट हाँ ये चीज़ थोड़ी बहुत यूनिक है। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा अपने गन पाउडर वाले फार्म के नीचे, और अभी मुझे ना पहले यहाँ पर से नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी चेस्ट है, इसके नीचे ना गाइस मुझे हॉपर्स लगाने पड़ेंगे ताकि अपनी माइन कार्ड विद चेस्ट जो है यहाँ से सामान ईजिली उठा ले। तो ये इतना करने के बाद मुझे ये तोड़ना है, ये भी तोड़ देते हैं, यहाँ पर अपने होपर लगाने हैं। फिलहाल अभी मेरे पास एक भी होपर नहीं है, वो मैं लेके आऊँगा तभी लगाऊंगा। तो गैस देखो अभी ना मुझे अपनी माइन कार्ड को ना यहाँ से लेफ्ट को मोड़ना होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर अपना जो पुराना वाला क्रीपर फार्म है ना भाई वो आ गया, इसीलिए इसको थोड़ा सा लेफ्ट से लेकर जाएंगे, कहीं से भी घूमती हुई जाए, बट हाँ इतना होना चाहिए कि सामान यहाँ से जाना चाहिए और वो जाके डलना चाहिए सीधा अपने मेन जगह पे। और मैं ये दोनों ब्लॉक्स तोड़ तो रहा हूँ, बट मुझे ना एक चीज़ याद रखनी है कि नीचे वाला ब्लॉक भी तोड़ना पड़ेगा। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ पर एकदम प्रॉपर टनल बना दिया है, जो कि मेरे दोनों मॉब्स फार्म से और क्रीपर फार्म से जाती है सीधा स्टोन फार्म पे। तो अभी फटाफट से अब बस हमें ना यहाँ पर रेल कार्ट का सेटअप करना है। तो सबसे पहले ना गाइस मुझे यहाँ पर लगानी है पावर रेल, और इसको मुझे पावर भी देनी है, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसे मुझे ठीक करना पड़ेगा। भाई ये कुछ रुक जाओ, ये अलग ही नशे में है, इसको सीधा मुझे यहाँ से लाना है। पहले इसे ना थोड़ा सा आगे लाता हूँ, फिर उसके बाद ये लाऊंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन दोनों के ऊपर ही माइन कार्ड विद चेस्ट चलेगी, बट अभी मैं इसको प्लेस नहीं करूँगा, मैं ढेर सारी चेस्ट और ढेर सारे हॉपर्स भी बना कर ले आया हूँ, क्योंकि अभी इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। मैंने इस हॉपर को यार पूरी इन्वेंट्री ऐसे भरी हुई है ना, मैं क्या बताऊँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रखनी है 2 हॉपर, एंड ये वाली जो रेल है ना इसके ऊपर मैं 1 माइन कार्ड विद चेस्ट रख देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी मुझे ना दोनों तरफ इन्हें पावर भी देनी पड़ेगी। पावर अभी नहीं दूंगा, मेरे पास रेड स्टोन टॉर्च है, जब अपना काम हो जाएगा ना तब हम लोग इसके अंदर पावर डालेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ, सेम टू सेम मुझे दूसरी साइड पे भी करना है, यहाँ पर भी हम लोग ये ब्लॉक प्लेस कर देते हैं। इस पर रेड स्टोन टॉर्च लगाते ही ये एक्टिवेट हो जाएगी और अपना काम करते रहेगी, बट मुझे ना अपना साइड चलने के लिए एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से टच होगी तो ये खराब हो सकती है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यहाँ से तुरंत एग्जिट मार लेंगे, अपना इतना काम हो चुका। अब सबसे पहले ना हमें ये वाला जो रास्ता है इसको पूरा घुमा के ले जाना पड़ेगा अपने स्टोन फार्म तक, वहाँ पर भी काफ़ी सारे चेंजेस मैंने करे हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे ना भाई अभी वहाँ पर पहुँचने से पहले इस रास्ते को पूरा ठीक भी करना पड़ेगा, और साथ ही मुझे इस मतलब कि जो ट्रैक है ना इसको ऐसे इस तरीके से ऊपर लेकर आना है। यार ये स्केलेटन निकलो यहाँ से तुम्हारी ऐसे की तैसी। हाँ तो मुझे ना यहाँ पर पहले एक चेस्ट लगानी पड़ेगी, जैसे मैंने उधर लगाई है, तो यहाँ पर भी एक चेस्ट लगेगी जिसके अंदर वो सारा का सारा सामान आएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं ये 2 चेस्ट लगा देता हूँ। अब वो जो अपनी रेल आनी है ना वो इस चेस्ट के अंदर सामान ड्रॉप करेगी। अगर सामान इसके अंदर ड्रॉप करवाना है तो सीधी सी बात है मुझे इसके ऊपर भी एक होपर लगाना पड़ेगा, मतलब 2 चेस्ट है तो 2 होपर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी मैं 2 होपर प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड ये ना मैं पता बस इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहूँ ना इसे सिंगल ट्रैक में कर सकता हूँ,
बट मैं इतने सारे ट्रैक इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये सुपर फास्ट वर्क करे। अब इतना करने के बाद ना मुझे यहाँ पर इसके जो नीचे वाले ब्लॉक्स हैं ना दोनों चेस्ट के, ये तोड़ने हैं एंड इन दोनों ब्लॉक के नीचे भी मुझे चार होपर प्लेस कर देने हैं। और बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है, मतलब मेरे घर के बाहर भी बारिश हो रही है और माइनक्राफ्ट में भी बारिश हो रही है भाई, खतरनाक ही मानसून वेदर आ रखा है। हाँ तो गाइस इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर होपर तो मैंने लगा दिए, अब अपनी एक ट्रेन यहाँ से जाएगी आगे को। फिलहाल अपना इतना काम ना देखो अभी हो चुका, अभी हम लोग ना ये वाली पहले पूरी टनल बनाते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने एकदम फुली फंक्शनल काम कर दिया है, अब बस समझ लो कि अपना 10% काम और बचा है, बाकी सब कुछ डन हो चुका है। बस हमें यहाँ पर रेल ट्रैक बिछाने हैं जो कि बस सामान उधर ले जाने काम करेंगे। यहाँ पर मैंने दो ट्रैक बिछाए हैं जो कि अपने मॉब स्वार्म से सारा का सारा गन पाउड बोन और एरोज वगैरह लेकर आएंगे और वो ले जाकर डालेंगे सीधा इस वाली चेस्ट में। यहाँ पर टोटल चार होपर लगे हैं, एक दो इसके ऊपर लगे हैं, मैंने इतने सारे होपर से लगाए हैं ताकि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो ये काम। और ये नीचे चार होपर लगे हैं, इन दो होपर से मुझे मिलेगा स्टोन और इन दो होपर से मिलेगा मॉब फार्म वाला सामान। अब ये सारा सामान मुझे पहुंचाना है मेरे को शुगर केन फार्म पे और शुगर केन फार्म से सारा सामान मुझे पहुंचाना है अपने टाउन हॉल कह रहा हूं वेंडिंग हॉल पे, बाकी अपना काम खत्म। फिर हाँ उसके बाद अगर मुझे अपने टाउन हॉल का सेटअप करने का मन हुआ तो हम लोग वो भी कर लेंगे। तो मरी गया भाई ये, मुझे इसे मारना नहीं था बट कोई नहीं। फिलहाल गाइस मैंने अभी काफ़ी सारी ये तीन ये और बना कर ले आऊँ तो फटाफट से अभी हम लोग इसे भी करते हैं। मुझे यहाँ पर इसे खटाईखट लगाते हुए जाना है पूरा पीछे तक में एंड ये भी को यहाँ पे लगाना है। ओ सॉरी भाई मेरे पास सारी खत्म होने वाली है ये भी। हाँ तो सब कुछ एकदम डन है, मेरे को इसे टेस्ट करने का मन कर रहा है। पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड निकलने का एरिया बना देता हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ से बाहर तो नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो मैं यहीं से। फिलहाल अभी ना जल्दी से हम लोग इसको बाहर फेंको भैया पहले, ताकि स्टोरेज बने अपनी इन्वेंट्री में। इसको यहाँ रखते हैं, ये वाला ब्लॉक भी मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ क्योंकि अगर मुझको बाय चांस इसे ऑफ करना पड़ा तो मैं ऑफ भी कर दूंगा। एक बार पहले चेक करता हूँ इसके अंदर सामान क्या, देखूंगा इसके अंदर रॉटन फ्लैश आने लग गया है और ये वाली तो पूरी भर ही गई है। लेट्स गो, काम ये करने वाले, एक लगाई दूसरी लगाई, लेट्स गो। अब एक छोटी सी मैंने गड़बड़ कर दी, मेरी छोटी सी वो गड़बड़ यही है कि मुझे बीच बीच में काफ़ी जगह पर पावर्ड रेल लगानी पड़ेगी तभी ये फास्ट फास्ट काम करेगी। नहीं यार ये देखो मुझे कुछ नहीं करना, ये हटा के मान लो यहाँ रखनी है पावर्ड रेल, इधर भी हटा के यहाँ रखनी है पावर्ड रेल, इसमें जितनी पावर्ड रेल, ओ सॉरी वहाँ कहाँ रख दी मैंने, इसको यहाँ रखते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल बीच बीच वाले रास्तों में तो मैंने हर जगह ऑलमोस्ट पावर्ड रेल रख दी है और अब मुझे इन पावर रेल को पावर देने के लिए यहाँ पे लगानी है रेडस्टोन टॉर्च हर साइड पे। इधर भी तोड़ो इधर भी तोड़ो, ये लगा दी रेडस्टोन टॉर्च। अभी ना गाइस ये बहुत तेज जाएगी और मेनली मेरे को ना एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर पावर रेल होना बहुत ज़रूरी है इस जगह पे, वरना ये जो मतलब अपनी ये माइन कार्ट है ना ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। ओके गाइस आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, बस मुझे यहाँ पर ये रेडस्टोन टॉर्च लगाकर इन पावर रेल को भी पावर देनी है ताकि वो जो अपनी माइन कार्ट है वो यहाँ से वापस भी चले जाए तुरंत। एंड इन सब जगह पर जो मैंने पावर रेल लगाई है यहाँ पर भी पावर डालते हैं। यहाँ पर मैं एक और लगा देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट है, एक नहीं दो दो लगा देते हैं ताकि फटाफट से भाग के अपनी माइन कार्ट ऊपर जाए। यहाँ पर मेरे को लगानी है रेडस्टोन टॉर्च और ये दो तीन जगह और रह गए, फटाफट से हम लोग यहाँ पर भी लगा देते हैं। लेट्स गो, एक दो एंड तीन चार पाँच छः। अभी गाइस मुझे ट्राई करना है कि अपनी माइन कार्ट पूरा ट्रैक कवर कर पाते हैं या फिर नहीं। तो इसके अंदर चेस्ट है, ये सारा सामान उठा के बस वहाँ पे डाल के आने वाले। चल भाई चल तू भी जा, अभी जा रही है एकदम मस्त स्पीड में। मुझे बस एक बार चेक करना है रुकती कहाँ पे है। ओके ओके एक डन हो चुकी है, सामान रख के वापस आ चुके, ये भी सामान रख के वापस आ गई। अब मुझे ना जाके चेक करना है कि वो जो सामान है वो होपर्स में आ गया है, आया है कि नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये मैंने ड्रॉप करा था इसलिए भी चला गया, बाकी डर्ट ब्लॉक भी उसे मिल गया होगा बीच रास्ते में, सब कुछ रहने गाइस। अभी मुझे यहाँ पर बनानी है एक और टनल जो कि सारा सामान पहुंचाएगी शुगर केन फार्म में। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल अपना सेकंड सेटअप भी हो चुका है, इस वाले सेटअप में अपना सारा का सारा सामान स्टोन फार्म से और मॉब फार्म से आ जाएगा सीधा अपने शुगर केन फार्म में एंड यहाँ से अभी हमें वापस पहुंचाना है। बट अभी ना मुझे यहाँ पर एक छोटी सी चीज और करनी है, वो ये है कि दोनों माइन कार्ड्स अभी मुझे यहाँ पर रख देनी और अभी मुझे दो और बना के लानी पड़ेगी। भाई मैं इतना सारा सामान मैंने सोचा था भाई इतने में सब कुछ हो जाएगा बट बार बार ही कुछ ना कुछ बनाने जाना पड़ रहा है। फिलहाल अभी अगली टनल बनाने के लिए मुझे पिकेक्स भी लेकर आनी पड़ेगी और ये कुछ ज़्यादा जल्दी वापस आ गई। एक बार पहले मैं चेक करता हूँ ये सामान इसमें ड्रॉप करके भी गई है या फिर नहीं, इसमें तो सारा शुगर केन आ गया। ये देखो ऊपर से मैंने दो होपर कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर सामान आ रहा है, ये सारा का सारा स्टोन भी आ रहा है। ये देखो ये फार्म मतलब कि ये सामान हो गया अपने स्टोन फार्म से और ये वाला सामान हो गया अपने मॉब वाले फार्म से। तो एरो वैरो देखो सब कुछ आ रही है भाई, एकदम मस्त वर्क कर रहा है। अभी ना गाइस मुझे यहाँ पर मैंने और भी काफ़ी सारे होपर्स क्राफ्ट करे हैं, वो होपर मुझे लगाने हैं यहाँ पे। और अभी तो देखो दो दो माइन कार्ट चल रही थी बट अभी यहाँ से जाने वाला है ओनली सिंगल ट्रैक, ठीक है। तो सिंगल ट्रैक को आगे बढ़ाने के लिए ना मुझे पहले तो ये वाला जो एरिया है ना इसे थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा एंड मुझे यहाँ पे रखनी है ये वाली पावर्ड रेल
एंड नीचे की तरफ में मैं यहाँ पर रख देता हूँ राइट साइड में कॉबलस्टोन, कॉबलस्टोन के बगल में हम लोग रख देते हैं ये मस्त वाली रेडस्टोन टॉर्च। और अभी यहाँ पर से हम लोग रास्ता पूरा बनाते हैं, बट बीच बीच में मुझे ये भी रखते जानी है। बट यार देखो मुझे ना पहले टनल भी बनानी पड़ेगी जो कि अपने वेंडिंग हॉल तक पहुंचाएगी, और टनल बनाने के लिए मुझे पिकेक्स लेनी पड़ेगी अभी। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल ऑलमोस्ट सारा का सारा काम जो है डन हो चुका है। मैं इस टनल को, पूरी की पूरी टनल को शुगर केन फार्म से लेकर आ चुका हूँ सीधा अपनी वेंडिंग मशीन हॉल तक। एंड मुझे यहाँ पर रखनी है एक और रेडस्टोन टॉर्च, और ऊपर की तरफ में भी कुछ यहाँ पर मेरे ब्लॉक से लगाते जाने हैं। एंड यहाँ तक ना भाई मैंने इतनी सारी पावर ड्रेल लगाए हैं ना ताकि वो फुल स्पीड में आए, कहीं पर भी रुक ना जाए। अब आगे का काम मुझे ये करना है, यहाँ पर ना बीच बीच में मुझे लगाने पड़ेंगे ये वाले स्टोन ब्रिक्स। उसके बाद बस मुझे सेटअप करना है कि कौन सी वेंडिंग मशीन से क्या सामान मिलने वाला है। तो जो भी सामान मेरे को जिससे चाहिए उसके हॉपर में मुझे बस वो सामान डाल देना है पूरा का पूरा एक स्टैक। तो सबसे पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद वो काम सोचेंगे। एंड गाइस विलेजर होल से भी सेम मेरे को यही करना पड़ेगा, तो वो काम मैं बाद में करूंगा क्योंकि पहले अगर एक बार ट्राई हो जाए ना कि ये चीज़ एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं, उसके बाद हम लोग विलेजर होल का बनाएंगे। वैसे जहां तक मुझे लगता है 99.9% ये सही वर्क करेगी, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है भाई। वैसे करनी तो चाहिए, ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिलहाल यहाँ पर मुझे रखना है, एंड इस तरफ में मुझे रखनी है एक पावर ड्रिल। तो पावर ड्रिल मेरे पास पड़ी है ना भाई, 14 और बची है। वैसे और भी बना सकता हूँ मैं इसके लिए, मेरे पास सारा सामान पड़ा है, बट फिर भी हम लोग पहले यहाँ पर करते हैं पूरा सेटअप। ओके गाइस, तो भी फिलहाल यहाँ पर भी मैंने पूरे में जो माइन कार्ट की रेल है ये लगा डाली है। एंड इस तरफ में मुझे यहाँ पर एक और रखनी है पावर ड्रिल, ताकि जो अपनी मतलब कि जब माइन कार्ट इधर आएगी तो वो यहाँ से वापस भी जाए। इसमें पावर दे देते हैं, एंड बीच में भी मुझे कहीं कहीं पर ना ये लगानी पड़ेगी, वरना फिर सीधी सी बात है यहाँ पर भी वो आकर स्लो हो जाएगी और अपना काम खराब हो जाएगा, जो कि हमें होने नहीं देना है। यहाँ पर ये सब लगा के बीच में स्टोन ब्रिक्स, देन रेडस्टोन टॉर्च इधर लगानी है, फिर से स्टोन ब्रिक एंड रेडस्टोन टॉर्च। कोई रह तो नहीं गया, हाँ ठीक है ये वाला रह गया है। यहाँ भी रेडस्टोन टॉर्च, भाई कसम से बड़ा सारा काम है, इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक ऊपर करना है, और यहाँ पर भी एक रेडस्टोन ये लगानी पड़ेगी, एंड अपनी ये जो माइन कार्ड विद चेस्ट है ये अपनी लग जाएगी यहाँ पर, और ये आना जाने इधर करते रहेगी। अब इस माइन कार्ड विद चेस्ट में सामान कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वैसे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये जो माइन कार्ड विद चेस्ट है ना, ये इधर से सामान उठाएगी और ले जाकर डालेगी इन सभी होपर्स में, और फिर इधर से भी सामान उठाएगी। मतलब इधर मैं क्या सामान रखने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। जो सामान विलेज से आएगा, मतलब अपने विलेजर हॉल से आएगा, वो इधर आएगा, और जो फार्म से आएगा वो इस साइड आएगा, बट जाएगा एट द एंड वेंडिंग मशीन्स में। और जब मैं इधर भी बना दूंगा ना वेंडिंग मशीन, तो इसको हम लोग थोड़ा पीछे कर देंगे, ठीक है, वो छोटा सा काम है। फिलहाल अब देखते हैं इसके अंदर सामान आएगा कैसे यहाँ से। तो यहाँ सामान लाने के लिए हमें पहले से पूरा बनाना पड़ेगा यहाँ तक कुछ इस तरीके से। शायद मुझे इसे ना ऊंचा भी करना पड़ सकता है, पहले एक बारी मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये जो चेस्ट है ये होपर्स है, ये लेने हैं, होपर से सामान ड्रॉप करना है इसके अंदर। तो होपर मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, आई गेस मुझे ना यहाँ पर दो चेस्ट लगा देनी चाहिए ताकि सामान मैक्सिमम ड्रॉप हो पाए। इसको मैं तोड़ देता हूँ। ओ भाई साहब, इसके इतना सारा सामान इसमें आया कहाँ से? ये तोड़ने के बाद मुझे यहाँ पर लगा देने होपर्स। अभी ये देखो ये सामान उठा के ले जाके डालती हुई जाएगी इन सभी होपर्स में। अब इस वाली चेस्ट के अंदर सामान मुझे लाना है यहाँ से, तो पहले हम लोग चढ़ते हैं इसके ऊपर, एंड ये मेरे को सेटअप करना है कुछ इस तरीके से इधर का। भाई ये जितना सोच रहा था ना मैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा एपिक बन चुका है अभी। नहीं सही बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल हो रहा है। एंड यहाँ पर मुझे रखने दो होपर्स, और ये भी और ऊपर जाने वाला है। वाओ, ओके गाइस, फाइनली एवरीथिंग इज डन। अब मुझे यहाँ पर लगानी है पावर ड्रेल, और यहाँ पर भी एक आध पावर ड्रेल लगा देनी चाहिए ताकि इसको बीच में कोई भी रुकावट ना आए। इधर भी एक पावर ड्रेल लगाता हूँ, और बगल में लगा देता हूँ मैं रेड स्टोन टॉर्च कुछ इस तरीके से लेके, ये एक रखी यहाँ पे। तो चलो गाइस, फाइनली पूरा सेटअप हो चुका है। अब बस मुझे क्या करना है, सारा सामान लाके इन सभी होपर्स के अंदर डालना है। अब सामान लाने से पहले मैं काम करता हूँ, ये जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है ना वो डाल देते हैं। जैसे कि अपने स्टोन फार्म से स्टोन आने वाला है, तो मुझे स्टोन लेकर आना है। शुगर केन फार्म से शुगर केन आने वाली है, तो मान लो ये वाले होपर में मैं डाल देता हूँ शुगर केन, और उसमें वो ऑलरेडी जा चुका है। यानी कि अभी ये वाली जो नीचे वेंडिंग मशीन है, इसमें से हमें शुगर केन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि इसमें से मुझे शुगर केन मिलेगा, मुझे बस ये बटन दबाना है, जितना शुगर केन मुझे चाहिए वो मिल सकता है। वैसे शुगर केन इस तरीके से लेना काफी स्लो है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी उठा लेंगे, बट हाँ यार कभी कभार अगर हमें लिमिटेड ही चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल अभी सारा सामान मैं पहले लेकर आता हूँ जो हमें फार्म से मिलने वाला है, बाकी विलेजर होल का सेटअप मैं तब करूंगा जब एकदम अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर ना काफी सारी चीजें ऐसी है जो कि मैंने बहुत लेंथी वे में करी है, उसके शॉर्टकट्स में ढूंढ के उसे करूंगा पहले। तो हाँ गाइस देखो, अपने इस वाले फार्म से मुझे मिलने वाली है ढेर सारी एरो, तो ये एरो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और मुझे साथ ही इसमें से मिलने वाला ढेर सारा बोन, रोटिंग फ्लैश, गन पाउडर। इसमें से एक भी नहीं आ रहा क्या? हेलो, इसमें से ये स्पेशली मैंने गन पाउडर के लिए बनाया था, और उसमें मुझे एक भी गन पाउडर नजर नहीं आ रहा।
वैसे थोड़ी देर ना एएफ के बैठना पड़ता है तभी इसमें क्रीपर स्पॉन होते हैं, बट चलो कोई नहीं, गन पाउडर मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा। स्ट्रिंग्स भी इसमें से मिलती है ना जहां तक मुझे लगता है, हाँ स्ट्रिंग्स भी मिलती है तो स्ट्रिंग्स भी लेके चलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल बस मुझे यहाँ पर माइनकार्ट विद चेस्ट रखनी है, बट इसको रखने से पहले मैंने यहाँ पर रेल लगा दी और ऊपर आराम से आ जाएगी अपनी माइनकार्ट विद चेस्ट। इसको उठाओ और यहाँ पे रखो और कर देते हैं इसे स्टार्ट। जा भाई सामान लेकर आ जल्दी से शुगर केन फार्म से, ये सामान लाके डालेगी इसके अंदर और ये सब में बांट देगा। अब बटना इसे एकदम सही तरीके से चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी इसके अंदर एकदम, ये शुगर केन का हो गया, ये वाला भी शुगर केन का हो चुका है क्योंकि अभी माइन कार्ट में सिर्फ शुगर केन ही था, इसलिए अभी मैं इसको बना रहा हूँ स्टोन का। एंड ये वाला अपना इसे कर देते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स का। ओ सॉरी वो नीचे गई, नहीं 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 वापस आ जा बस। तो चलो गाइस फाइनली सारा सेटअप हो चुका है अपनी वेंडिंग मशीन में। अभी तो फिलहाल कोई भी स्पेशल आइटम नहीं है, मतलब ये सस्ती सस्ती चीजें है, शुगर केन फार्म हो गया, स्टोन हो गया, एरो, बोन, रोटन फ्लैश। बट जब मैं इसे विलेजर होल से कनेक्ट करूंगा ना तो आपको तो पता ही है भाई विलेजर्स कितना ज्यादा बढ़िया बढ़िया सामान देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर सारी की सारी महंगी आइटम्स लग जाएगी। फिलहाल यार इसका जो पूरा टूर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, बट हाँ ये देखो कितना मस्त वर्क कर रहा है। जैसे कि मेरे को रोटन फ्लैश चाहिए तो मुझे दबाना है ये रोटन फ्लैश मिलना शुरू, और अभी मुझे बोन चाहिए ये दबाया बोन मिलना शुरू, और जब तक दबा के रखूंगा तब तक मिलेगा। ओ तेरी एरो नहीं मिलता यार, ओ स्केलेटन को मारते हैं, मार 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 इसकी ऐसे की तैसी भाई, ये डिस्पेंसर ओ खत्म होगी भाई, इसकी भैंस की कितना मारेगा, निकल यहाँ से भाई। यार वो कितनी मस्त चल रही थी यार उसमें से, और यहाँ से अभी मेरे को स्ट्रिंग मिलने वाली है। ओके इसमें से मुझे स्टोन मिलना चाहिए, ओ भाई अमेजिंग, और इसमें से मुझे मिलना चाहिए कॉबल स्टोन, इसमें से भी कॉबल स्टोन नहीं सॉरी, इसमें से मेरे को शुगर केन। चलो सब कुछ एकदम परफेक्ट है फिलहाल। मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे हो यार क्या ये सस्ती सी चीज़ के लिए तुमने इतना तगड़ा सा बना दिया, ऐसा नहीं है भाई, ये सस्ती चीज़ों के लिए नहीं, मैंने स्पेशली विलेजर वालों के लिए बनाया। मुझे पहले वहीं का सेटअप करना चाहिए था, बट पता है ये वाला सेटअप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे लग रहा था कि अगर ये हो जाए, अगर ये सेटअप हो गया ना तो विलेजर वाले सेटअप में उतना टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था बट काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने वाला था। अभी सारा सामान एट द एंड नहीं पहुँचेगा। तो चलो गाइस उम्मीद आपको आज की वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ गया भाई मुझे, तो इसीलिए इस वीडियो को जाके लाइक करना, कुछ नया ट्राई करा इसमें काफ़ी दिनों बाद, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 7 लाख लाइक कर दो, सभी लोग जल्दी से लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पर आप लोग मुझे और भी बढ़िया बढ़िया सजेशन या फिर आइडियाज दे सकते हो कि मुझे क्या क्या बनाना चाहिए। और हाँ यार जिसने अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज के वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।